हेलो दोस्तों, तो भाई आज जो है फॉर्च्यूनर की सर्विस का टाइम आ चुका है। तो भाई एक तरह से जो 50,000 वाली सर्विस होती है ना, आज वो करानी थी। तो हुआ क्या कि मैं 49,000 कुछ चल गई थी, 49,800 उस टाइम पे मैं निकलने वाला था सर्विस के लिए, पर एंड टाइम पे मेरे को वहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ गया। उसके बाद गाड़ी 400-500 किलोमीटर चली है, तो अब जो है फ़िलहाल रीडिंग 50,496 कुछ है। तो सर्विस करवाने आया हूँ और आज आपके साथ सारा एक्सपीरियंस अपना कि भाई जो टोयोटा की सर्विस है फॉर्च्यूनर की, जो लोग कहते हैं कि 10,000 तक तो हो जाती है, तो आज वो भी देखते हैं और आपको मैं सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कितने टाइम में करके देते हैं और कैसे कुछ बिहेवियर रहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोयोटा के शोरूम पर आ चुका है, यहाँ रोहतक में सत्यम टोयोटा है। तो चलते हैं अंदर। भाई आज तो मेरे को लाइन भी यहाँ पर काफ़ी लंबी लग रही है, तो यहाँ खड़ी करके अब अंदर चलते हैं। एक से बात हो रखी थी जो यहाँ पे सर्विस एडवाइज़र हैं, तो ये हमारे सर्विस एडवाइज़र हैं जो आज हमें मतलब अटेंड करेंगे। तो वैसे जो ये सर्वे होता है, मतलब इसमें क्या क्या देखते हो आप किस चीज़ में? ये जो मतलब चेक होता है, पहले आप ये चेक करते हो कि गाड़ी में कोई सामान तो नहीं है, या मतलब क्लियर होनी चाहिए गाड़ी। अच्छा ये और देख लेना, इसमें वो पॉलिश और वो मत होने देना टायरों पे या अंदर, इस पर लिख देना साफ साफ। बैटरी साथ की है ना ये? हाँ बिल्कुल साथ की है। तो इसमें जो मेन दिक्कत है ना, वो ब्रेक पैड्स की है, मतलब थोड़े लगने लगे हैं और थोड़ी चू चू आवाज़ होती है ना, वो शुरू हो रखी है। पर यूँ है, अगर अगले 10,000 तक चल जाए तो काम चल ही जाएगा, नहीं तो बता देंगे हमसे। हाँ नहीं तो वो बता देना, बाकी यही हूँ मैं जब तक नहीं होती। तो भाई अब गाड़ी जो है अपनी सर्विस पे जा रही है, पीछे चलते हैं। तो भाई अभी अभी क्या हुआ, मैं अभी अंदर कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने लग गया उनकी। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर भाई ये था ना, कैमरा ऑन कर दिया तो वो एकदम से घबरा गए। तो यार मैंने भी कैमरा बंद कर लिया, क्योंकि वो होता है ना फिर वो भी एक तरह से कंफर्टेबल नहीं रहते। तो मैं भाई तुम मेरा जो एस्टीमेट है ना वो बना के दे दो। तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ ना भाई कितने का हुआ, तो जैसे ये 2485 का तो जो हमारे सर्विस कॉस्ट होती है, लेबर चार्जेस जो होते हैं, 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस है ना ये। ये विंडशील्ड वॉशर जो वो उसमें डलता है पानी, और एक ये हमने डीजल फिल्टर, वैसे मैंने नेट पे भी देखा था करवा लेना चाहिए था, 50 चल गई थी तो एक बार तो चेंज हो ही जाता है ना। तो उसके नीचे गैसकेट एक कोई चीज़, एक कोई रबड़ सी होती है वो लगती है, ऑयल फिल्टर चेंज होएगा 356 रुपीज़ का, इंजन ऑयल है, ग्रीस है, ये करके 7174 का बिल बनाया है, और उसके ऊपर GST है 8%। तो मेरे ख्याल से भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा है ना 9,500 के करीब पड़ जाएगा, इतने ही पहले हुआ था और इतने का ही अब हुआ है, और हालांकि अब की बात है फ्यूल फिल्टर भी चेंज हुआ है। तो भाई फ़िलहाल की कंडीशन दिखा दूँ ना मैं, अभी 11 बज चुके हैं और अभी तक मैं यहीं पे ही हूँ और गाड़ी में आगे बैठ गया, क्योंकि यार अब जब आए हुए हैं तो देखना तो चाहिए ना कि गाड़ी क्या कुछ चलने लग रहा है। और अभी तक पीछे जो है ये लेजेंडरी वॉश भी हुई, और पीछे जो इनका स्टाफ है वॉशिंग वाला, ये भाई सारे के सारे जो हैं अभी चाय पीने लग रहे हैं। देखते हैं कितनी देर तक बिठाएंगे, और इनका चाय ब्रेक हो चुका है, अभी ये गप्पे मार रहे हैं। तो भाई 11:40 हो चुके हैं, अब जाके नंबर लगाया गाड़ी का। बाकी भाई यहाँ पे जो दो लग चुके हैं, दो मतलब जल्दी हो जाएगा वैसे दिखा जाए सर्विस का काम। तो अब देखो अब पता चलेगा, क्योंकि काम तो अब शुरू हुआ है ना, इसके जो लेजेंडर है इस लेजेंडर के नीचे कोटिंग हुई है प्लास्टिक कोटिंग, तो उनको बीच में रोक भी नहीं सकते थे क्योंकि पेंट हो रहा था। तो अब देखते हैं कितनी देर में हो जाएगी। पे अंदर आ चुका हूँ, बाहर बहुत गर्मी हो गई थी और अभी सर्विस वॉशिंग होके यहीं पे ही आएगी, तो यहाँ से सारा दिखता ही है। तो भाई अभी 12:23 हो रखी हैं और अब जाके गाड़ी आई है, कंपनी वालों की तरफ से फैलिको पे आ गई है और गाड़ी भी सामने आ चुकी है। तो देखते हैं कैसे सर्विस करते हैं, ये पीछे जाना अलाउड नहीं है तो यहीं से ही बनाते हैं। 1 बज चुका है और अभी अभी जो गाड़ियाँ हैं ये पीछे गाड़ी खड़ी है, पेमेंट जो है हमने कर दी है फाइनल, बस अभी एक बार ये कपड़ा मारेंगे।
तो भाई वहाँ पे तो कपड़ा लग रहा था अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे एक डिलीवरी के लिए ये बेल फायर आ रखी है। मैंने आज भाई पहली बार ही देखी है ये गाड़ी, मतलब इतनी पास से। वैसे तो दूर पे तो मैंने एक दो बार देख रखी है, पर भाई गाड़ी देखो ये कैसी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी देखो ना। जैसे मैं फॉर्चुनर का और इसका डोर खोलूँ, बहुत भारी है भाई, ये बहुत ज़्यादा भारी है। लगती तो तगड़ी है भाई गाड़ी, सुपर लग्जरी। सनरूफ पीछे भी, यहाँ पे भी, गाड़ी तो तगड़ी लगती है भाई। पर यू है ना भाई, 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो जब भी बड़ी आने लगेगी फिर तो भाई, मतलब तुम देखो कितनी जबरदस्त लगती है गाड़ी। पीछे से दिखाता हूँ भाई, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सिर्फ फॉर्चुनर या इनोवा ही बिकती हैं। यहाँ लेजेंडरी आज मैंने इतनी सारी सर्विस पे देखी हैं, कितनी भीड़ हो रखी है। तो जो अलाइनमेंट वाली वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, उसमें मैं अलग से बाहर से करवाऊंगा, तो क्या क्या करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा। फाइनली बारी आती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सत्यम टोयोटा के साथ क्या रहा है, और टोटल कितने का बिल बना है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऑब्वियसली जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, नीचे की जो है वो दिखा देता हूँ। टोटल बिल है भाई 8,314, जिसमें जो एक तरह से 50,000 वाली ये मेजर सर्विस होती है। मेजर सर्विस में भाई जैसे फ्यूल फिल्टर होता है, जो और फिल्टर होते थे वो मैंने 40,000 में चेंज करवा दिए थे। तो अगर हम देखें भाई, यूँ कहते हैं कि 12,000-14,000 हम, और हालांकि जो एक्सयूवी आती है भाई महिंद्रा की, मैं एक्सयूवी की बात करूँ ना तो 17-18 लाख में आ जाती है, पर उसके बाद भी उसकी 14-15 हज़ार में जाके सर्विस होती है। और ये तो देखो 8,500 में, जिसमें इन्होंने सर्विस चार्ज भी सब कुछ तो जोड़ लिया उसके बाद भी, और GST मतलब जो मैंने पेमेंट करी है वो 8,314 की करी है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देखो सुबह जैसे 10 बजे वहाँ गया था ना, तो एक बार आज जैसे मंडे था, तो भाई मंडे को जैसे एकदम ज़्यादा भीड़ हो जाती है, 6-7 फॉर्चुनर आ रखी थी, इनोवा थी, तो सर्विस में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, तो भाई नंबर थोड़ा लेट हो गया, और बीच में कुछ पेमेंट का इशू हो गया था उनका, कोई सर्वर डाउन हो रखे थे, तो मैं मतलब थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद लास्ट में एक बार जब मैं चेक कर रहा था, तो एक दो जगह जैसे वो काले हाथ होते हैं ना, वो जो ऑयल वाला होता है वो लग रखे थे, तो वो मैंने सारा साफ करवाया। और उसके बाद अभी अगर मैं टाइम और रखा है, 4 बज रखे हैं, और मैं 3:30 बजे आ चुका था यहाँ घर पे। और तो मतलब ओवरऑल भाई ठीक है, कॉफ़ी पिला दी थी हैं, और एसी में अंदर से, वैसे तो मेरे को लगा कि परमिशन होगी सर्विस एरिया में जाने की, पर वही बोले कि अगर आपको वैसे वीडियो बनाना है, कुछ करना है ना, तो आपको एक वो मिरर से, जो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, वहाँ से बैठ कर आराम से कॉफ़ी पी लो, सामने टीवी चल रहा है अपना, वहाँ से एसी में बैठ जाओ, गर्मी में मत जाओ। और जब काम मतलब शुरू हो गया था ना, उसके बाद तो भाई 1-1.5 घंटे में उन्होंने निपटा दी थी पूरी गाड़ी, सही बता दूँ तो अगर गाड़ी का नंबर टाइम पे लग जाए ना सुबह, तो गाड़ी आपको टाइम पे मिल जाती है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है भाई 50,000 की जो सर्विस होती है। उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कभी फॉर्चुनर की सर्विस करवाई है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे को। तो भाई मैं हमेशा वैसे यहीं से कराता हूँ, और जो सर्विस एडवाइज़र था उससे मैं पहले बात करके गया था, और एक चीज़ मैंने और कही थी उनको कि भाई कहीं पे भी जैसे जो टायर होता है और जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी पॉलिश मत कर देना, और ना ही जो हमारा इंटीरियर होता है, क्योंकि भाई एक बार तो बढ़िया लगता है, उसके बाद जब है ना धूप पड़ती है तो स्मेल भी होती है, और वो प्लास्टिक है तो वाइट पड़ जाता है बिल्कुल। मेरी पीछे एक गाड़ी थी उसमें हो चुका, तो अब मेरे को सबक मिल चुका, तो कभी भी गाड़ी में पॉलिश मत लगवाना। फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर दो, यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हो, वहाँ मैं डेली पोस्ट रील शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।